इट्स वेरी गुड। बहुत दिन के बाद मिल जाता है वो नए ड्रेस को, ताकि मैं गेट टू नो दैट उसमें इन डिटेल हमने बताया, दैट वाज वेरी किलिंग। हम लोग बाहर निकले तो ये दुनिया कितनी रंगीन लग रही है, क्योंकि हमारे जो कुछ प्रॉब्लम था वो सॉल्व। मुझे जितना पसीना आता है ना, उससे मैं एक्चुअली ह्यूमिडिटी की लेवल मापता हूँ, है कि नहीं? हाँ, तेरे पसीने से पता चलता है कि आज वेदर कैसा है। या मंदिर तो बंद हो गया, अभी मेन मंदिर पता नहीं चालू है कि नहीं। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। सो अभी टाइम हुआ 7:30 द इवनिंग, और एज यू कैन सी सो गाइस दिस टाइम इन द ट्रेडिशनल अटायर, सो वी विल बी गोइंग वेयर द ओनली ओकेजन वेयर एक्चुअली द ओनली ओकेजन व्हेन शी वेयर्स ट्रेडिशनल ड्रेस व्हेन वी हैव टू गो टू टेंपल और बदुबाई। थोड़ी इंडिया वाली फीलिंग आती है ना वहां पे जाने के, तुमने सोचा कि चलो ये कुर्ता पहन लेते हैं, और आज ही मैंने कपड़ा ना क्लीन किया है और मुझे कुर्ता दिखाई पड़ा, तो मैंने सोचा कि व्हाई। हां एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया, कभी-कभी ओल्ड क्लोथ अगर बहुत दिन के बाद मिल जाता है वो नए जैसे ही लगते, राइट? मैंने भी बहुत दिनों बाद नोटिस किया कि एक कुर्ता नहीं पहना है। सो ये ड्रेस मेरे पास कलेक्शन बहुत कम है, मुझे इंडिया जाके पहले ट्रेडिशनल अटायर लेना है, लाइक सिंपल कुर्ता एंड ड्रेस, ताकि कंफर्टेबल वेयर होके हम कहीं भी जा सकते हैं। या बहुत जल्दी एक्चुअली हम लोग इंडिया आने वाले हैं, स्पेशली मीटअप अरेंज करने वाले थाना में। सो दोज इन इरान नॉट दुबई, नॉट दुबई सर, दुबई है यार थाने। प्लीज कमेंट डाउन बिलो टाइम प्लेस और जो भी वेन्यू है वो हम लोग थोड़े ही ब्लॉग्स में अनाउंस करेंगे, आई मीन एक दो तीन ब्लॉग्स के बाद अनाउंस कर ही देंगे, राइट? यस। और अगर लोगों को थाने से तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता दो कि यू आर फ्रॉम थाने, ऐसे ऐसा वाला इमोजी, ऐसे हैंड्स अप कर दो, ताकि वी विल गेट टू नो दैट। बाप रे, लैंगलर नहीं। So guys, actually last Saturday से हमने एक ritual start किया कि every Saturday evening at least try करने का। Try करते जाएगा। Temple जाएंगे यार। So today is the second Saturday. Guys, honestly speaking, आज हमको इतना relief महसूस हो रहा है ना, I mean कल हम लोग इतने tense थे, और अगर किसी को पता नहीं क्यों हम लोग tense थे, इसके पहले वाला ब्लॉग देखना, उसमें इन डिटेल हमने बताया कि YouTube चैनल कैसे हमारे पास नहीं था और कैसे हमको रिकवर करने में पापड़ बेलने पड़े। बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े और बहुत सारा वेट, एक्चुअली पापड़ बेलने पड़े इज वन थिंग, पेशेंस, लेकिन जो वेट करना पड़ा दैट वाज वेरी किलिंग। अभी हम लोग बाहर निकले तो ये दुनिया कितनी रंगीन लग रही है, क्योंकि हमारे जो कुछ प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया ना, तो सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम आराम से सांस ले रही हूं। कल से मतलब कितना देर में लैपटॉप पे बैठी थी, बताया सुबह से 8:30 से रात को हम लोग बार बार चेक करते कुछ आया क्या मेल, कुछ आया क्या मेल। आज ऐसा लग रहा है कि हाँ थैंक गॉड सब कुछ क्लियर हो गया है ना, कल हमने पेशेंस सीखा सच में। आज की वेदर अपडेट ये है कि आज गर्मी तो उतनी है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत कम है, क्योंकि 10 से 15 मिनट एटलीस्ट हम लोग बर्दुए में चल रहे हैं, लेकिन पसीना मुझे बिल्कुल भी नहीं आया, और मुझे जितना पसीना आता है ना, उससे मैं एक्चुअली ह्यूमिडिटी की लेवल मापता हूँ, है कि नहीं? हाँ, तेरे पसीने से पता चलता है कि आज वेदर कैसा है। या देखो, पहली बार ऐसा देखा है कि पुतले एकदम भीड़ करके खड़े हैं, कितने सारे पुतले रखे हैं उसने। सो ऑलमोस्ट गाइस हम लोग मंदिर में पहुंच गए, अभी हम लोग रखते हैं कैमरा अंदर और बाद में मिलते हैं। मंदिर तो बंद हो गया, अभी मेन मंदिर पता नहीं चालू है कि नहीं। गाइस आज प्रसाद में हमें मिला है शीरा, माय फेवरेट। यस, देखो काय काय है वो, ये वाले लड्डू ना बहुत मस्त लगते हैं, मोतीचूर के लड्डू है ना ये वाले, दिखाई नहीं दे रहा है अभी, दिखाई दे रहा है मोतीचूर के लड्डू है और ये है शीरा। शीरा तेरा कहाँ पे है? हाँ यहाँ पे। बाप रे क्या गर्म है, मस्त है ना, लास्ट टाइम हमें खिचड़ी मिली थी। ओके गाइस, सो अभी ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग निपटाते और उसके बाद जाते हैं घर, भूख भी बहुत लगी है, तो ओके फटाफट शॉपिंग करते हैं। सो अभी इस सैटरडे का हमारा रेस्टोरेंट है पटियाला हाउस, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। या तो गाइस अभी हम लोग आए पटियाला हाउस में, और अभी शेख हाँ टीवी है, और कौन सी है, इंडिया वर्सेस है, लेकिन एक्चुअली खत्म होने को आया। ओह अच्छा, सो हम लोग आज ये नया रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे हैं विच इज़ पटियाला हाउस, और हमने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, वेज दीवानी हंडी, वेज दीवानी हंडी और पनीर कढ़ाई। यस,
और यहाँ पे ऑप्शन तो मस्त है। देख हम लोग ये वाले ट्राई करने आते हैं फॉर अनलिमिटेड था। हाँ अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट भी है। वो जो दिवाली हंडी वाला उसमें से पूछा कि एक्स्ट्रा पनीर चाहिए, मैंने हाँ पनीर मिलेगा एक्स्ट्रा। आ गया मेनू, आ गया आप लाए। थैंक यू वेज दिवाली हंडी राइट। No. So, this is पनीर पनीर कढ़ाई। सो स्टार्ट करते पनीर कढ़ाई से। सुगंध मस्त आ रहा है। वाओ लुक एट द पनीर, लुक एट द साइज ऑफ द पनीर। अरे गिरा मत यार। क्योंकि ये वाले पनीर होममेड पनीर है, मतलब ये खुद उन्होंने बनाई है। चलो अभी फटाक से खा। विद ग्रीन चटनी अचार, बहुत दिनों के बाद हम लोग ये सब खा रहे हैं ना। एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं 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 कुलचा के में नहीं मिला था, नहीं मिला था। नींबू चाहिए। अरे अचार इतना, वो सब्जी नहीं है। बाप रे, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, थैंक यू, इट्स रियली गुड। तो फुल हंडी में हमें सब्जी मिली है एंड ग्रीन कलर, पूरा ग्रीन मसाला है। व्हाई डू यू लुकिंग लाइक पालक पनीर? पनीर है। अच्छा एक किलो नहीं था, तो अभी आप कैमरा भी निकाल दिया। कैसा? वेरी गुड। तो चलो अभी टूट पड़ जाए।